सुशांत का ड्रीम नंबर 24 लर्निंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं है, प्रैक्टिसिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी नहीं है, वो है अंडरस्टैंडिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा सोचें कि आज जब इतना साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका है तो हम एस्ट्रोलॉजी को सीरियसली लें या नहीं। और ये डिसीशन लेने से पहले हम ये जान लें कि एस्ट्रोलॉजी को देखने का हमारा नजरिया क्या है। सक्सेस, मनी और प्रॉफिट के नजरिए से अगर हम एस्ट्रोलॉजी को देखेंगे तो शायद उतनी क्यूरियोसिटी, उतना पेशेंस हम अपने अंदर डेवलप ना कर पाए जितना कि एस्ट्रोलॉजी की बारीकियां समझने के लिए जरूरी है। लेकिन अगर हम कुछ देर के लिए ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी लाइफ यूनिवर्स के एक बहुत बड़े क्लॉकवर्क का एक छोटा सा हिस्सा है जिसपे हमारा कंट्रोल शायद उतना नहीं जितना हम चाहते हैं, तो शायद ओपन माइंड से वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए थोड़ा सा एफर्ट कर पाए। इस हिसाब से देखा जाए तो आज जो लोग रेगुलरली एस्ट्रोलॉजर्स के आसपास मंडराते रहते हैं वो खुद एस्ट्रोलॉजी को रिस्पेक्ट नहीं करते। उनको सिर्फ एक शॉर्टकट, एक बटन चाहिए जिसको प्रेस करते रहे तो बंगला, गाड़ी, पैसा, प्रॉफिट ये सब निकलता रहे। ये ड्रीम उन क्यूरियस लोगों के लिए है जो लाइफ को एक स्टूडेंट के नजरिए से देखते हैं और साइंटिफिक माइंड लेकर ऐसे कॉन्सेप्ट्स को भी एनालाइज करना चाहते हैं जिनका मजाक उड़ाकर अपने आप को होशियार साबित करने का हमारे सोसाइटी में फैशन है। astrojyoti.com, astrosanhita.com ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन ब्लॉग्स पर मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स पर रिसर्च कर रही हूँ और मेरा जरा सा भी अटेंशन इस बात पर नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी से मुझे फायदा होगा कि नहीं, ये काम करती है या नहीं। मैं हजारों साल पुराने अपने उन पूर्वजों के एफर्ट को अप्रिशिएट कर रही हूँ जो उन्होंने बिना किसी टेलीस्कोप के, बिना किसी एडवांस्ड इक्विपमेंट के पूरे स्काई का मैप बनाकर स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज के मूवमेंट को ट्रैक करने में डाला, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी सबूत है इस बात का कि ह्यूमन बीइंग्स अपनी लाइफ को लेकर इतने बड़े यूनिवर्स में अपनी जगह को लेकर हमेशा से क्यूरियस रहे हैं। जिस क्यूरियोसिटी और मेहनत ने उस समय 9 ग्रह, 12 राशिफल, 27 नक्षत्रों को इजाद किया, वही क्यूरियोसिटी आज सारा साइंटिफिक डेवलपमेंट लेकर आ रही है। उसी ने इंसान को चांद पे पहुंचाया, वही एक दिन कैंसर का इलाज ढूंढेगी और उसी की वजह से हम एक दिन किसी नए प्लैनेट पे एक नए तरीके की लाइफ फॉर्म ढूंढने में या फिर क्रिएट करने में सफल होंगे।